अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनीस किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चॉकलेट मूस केक। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला केक है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही मैं आपको चॉकलेट गनेश बनाने का एक नया तरीका बताऊँगी, जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल है और बिना रियल चॉकलेट के है। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। और इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप मैदा, यहाँ पे लिया है 1/3 कप कोका पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, साल्ट लिया है 1/2 टीस्पून। इन चीज़ों को अच्छी तरह से छान लें। छान के इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप शुगर। इनको, चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है अंडे, जो हैं 2, जो हैं रूम टेम्परेचर पे, रेफ्रिजरेटर वाले बिल्कुल नहीं लेने। यहाँ पे लिया है ऑयल 1/4 कप, वेजिटेबल ऑयल है। यहाँ पे लिया है दूध, जो कि फुल क्रीम दूध है, वो है 1/2 कप। यहाँ पे लिया है वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप पानी और उसमें मैंने 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ऐड की है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी मैंने हल्का गर्म लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम केक में शामिल कर देंगे, केक के बैटर में हम शामिल कर देंगे। अगेन इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है डिस्टिल्ड वाइट विनीगर, जो कि 1 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम एक पैन को ग्रीस करेंगे। 8 इंच का पैन मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है, जिस शेप का भी आपको पसंद है, आप उस शेप का पैन ले लें और उसको ग्रीस कर लें। बटर पेपर लगा लें और उसको भी ग्रीस कर लें। यहाँ पे मैं डस्ट कर रही हूँ मैदे को साइडों पे, ताकि आपका केक बिल्कुल भी साइड्स पे ना चिपके। एक्स्ट्रा मैदा आप निकाल लें छान के। पैन रेडी है हमारा। अब इसमें हम बैटर डालते हैं। बैटर को हम एक फॉइल की मदद से कवर कर लेंगे, क्योंकि हम इसको स्टीम कुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन जिसमें पानी और एक स्टैंड रखा है। इसको मैंने ऑलरेडी 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम अपना केक का सांचा रखेंगे और इसको 50 से 55 मिनट तक हम मीडियम से लो हीट के दरमियान में हम इसको कुक करेंगे। तो आपने बीच में पैन को बिल्कुल भी नहीं उठाना, या इसका फॉइल बिल्कुल भी नहीं उठाना। कम से कम 40 मिनट तक आप इसको बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। और 40 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका केक पका नहीं है तो आप 10 मिनट मज़ीद उसको पका सकते हैं। यहाँ पर मुझे तकरीबन 55 मिनट लगे हैं केक को कुक करने के लिए, और मेरा केक अभी 55 मिनट के बाद रेडी हो गया है। अब 40 मिनट के बाद केक को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे केक मुकम्मल तौर पे रेडी हो गया है। अब मैं इसको साइडों से छुरी की मदद से पैन से अलग कर रही हूँ, और इसके बाद इसको हम पैन से हटा लेंगे। केक अभी भी काफ़ी हद तक गर्म है, तो एहतियात से आप इसको पलटिएगा। बैक पे थोड़ा सा टैप करेंगे तो हमारा केक आसानी से निकल आएगा। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। केक अभी भी गर्म है, तो इसको ठंडा करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको काउंटर पे रख देंगे। यहाँ हम चॉकलेट गनेश रेडी करने लगे हैं। यहाँ पर मैंने लिया है फुल क्रीम मिल्क, जो है 1 कप, शुगर लिया है मैंने 1/2 कप, व्हिपिंग क्रीम ली है 1/8 कप, यहाँ पे लिया है कोका पाउडर 1/3 कप, यहाँ पे लिया है मैदा 2 टेबलस्पून। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक पैन में मैं इस सब सारे मटेरियल को छान लूँगी अच्छी तरह से।
छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके गणेश के ऊपर इसके पार्टिकल्स नज़र आएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से छान लें। छानने के बाद हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक के गाढ़ा नहीं होता। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब बटर, अनसॉल्टेड बटर यूज़ करना है आपने। यहाँ पे हमारा गणेश अच्छी तरह से तैयार हो गया है, हमें इतना ही थिक चाहिए। गणेश को यूज़ करने से पहले आप इसको रेफ्रिजरेट ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम जो है 300 ml, मैंने इसको व्हिप्ड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 भर के टेबलस्पून के न्यूटेला के। न्यूटेला डाल के हम इसको दोबारा से व्हिप करेंगे तो हमारा चॉकलेट मूस तैयार हो गया है। अब इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे कम से कम भी 30 मिनट के लिए यूज़ करने से पहले। यहाँ पे केक को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे केक के मिडल में पहली लेयर हम लगा रहे हैं चॉकलेट मूस की। चॉकलेट मूस को बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करके हमने यूज़ करना है। यहाँ पे इसको आप एक स्पैचुला की मदद से लेवल कर लें। सेकंड लेयर लगा रही हूँ इसके बाद इसके ऊपर। इस केक को आपको कोई भी सिरप लगा के मॉइस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही बहुत सॉफ्ट बहुत मॉइस्ट है। केक के ऊपर मैंने गणेश डाला है और साइड्स पे मैंने चॉकलेट को ग्रेट करके, नॉर्मल डेरी मिल्क को ग्रेट करके मैंने साइड्स पे डेकोरेट कर लिया है। आप जिस तरह से मर्जी चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। केक को सर्व करने से पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें, कम से कम भी 4 घंटे आप इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा करें पहले, उसके बाद आप इसको सर्व करें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को आप दबा दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।